गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ केक। और आपसे बात कर रही है आरती रेखी। गाइस, हमने अपने फेस के बारे में बात कर दिया, बॉडी के बारे में बात कर चुके हैं, और अपने हैंड, अपने लेग के बारे में, सबके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने हेयर के बारे में। हेयर के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बालों में लगाएंगे मेहंदी। तो इस मेहंदी को कैसे भिगाना है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहंदी को कैसे भिगाती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि मेहंदी को हम कैसे भिगाएं। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे चाय पत्ती का पानी गरम। मैं अपनी मेहंदी में चाय पत्ती का पानी जरूर डालती हूँ, क्योंकि इससे कहते हैं कि बालों में कलर आता है। तो ये बात कलर आने की बात तो सही है, पर इससे हमारे बाल नरिश भी होते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे चाय पत्ती, एक चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, उसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसे हम तब तक उबालेंगे जब तक पानी आधा ना रह जाए। अच्छी तरह से उसको बॉईल करने के बाद उसमें हम डालेंगे एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर गाइस इसलिए डालते हैं क्योंकि कॉफ़ी पाउडर डालने से बालों में कलर आता है, और कॉफ़ी पाउडर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को बहुत ही, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, और उसमें हम डाल सकते हैं एक चम्मच आंवले का पाउडर। अगर आपके पास आंवले का पाउडर है तो आप आंवले का पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास आंवले का पाउडर नहीं है, आपके पास ओरिजिनल आंवला है, तो आप ओरिजिनल आंवले को भी पानी में बॉयल करके उसका पानी उसमें डाल सकते हैं। तो अब इस पानी को हम छान लेंगे। गाइस, मेहंदी भिगाने से पहले हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई। कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में जो लोहे के तत्व होते हैं वो मेहंदी में मिक्स हो जाते हैं और बालों में आयरन देते हैं। तो हम अपनी मेहंदी को लोहे की कढ़ाई भिगाएंगे। तो लोहे की कढ़ाई को हम लेंगे, इसमें हम अपने बालों के हिसाब से जितनी हम मेहंदी भिगाना चाहते हैं, अपने बालों के हिसाब से, हम अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी इसमें डालेंगे। उसमें डालेंगे हम चाय पत्ती का पानी, जिसमें मिला हुआ है हमारा कॉफ़ी का पाउडर और आंवले का पाउडर, उसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे। गाइज, अब इसमें डालना है हमें तेल, ऑयल, बालों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप नारियल तेल यूज़ करते हैं तो नारियल तेल डाल सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो सरसों का तेल डाल सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप कैस्टर यूज़ करते हैं तो कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं तो कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। तो गाइज, मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें नारियल का तेल थोड़ा सा डालूंगी, और एक चम्मच डालूंगी मैं इसमें कैस्टर ऑयल। और गाइज, आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मेथी और कलौंजी का मैंने एक ऑयल बनाया था, मैं उसका भी थोड़ा सा पाउडर इसमें डालना चाहूंगी, क्योंकि उससे मेरे बाल घने भी होंगे और मेरे बालों में ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि गाइस, हमें मेहंदी भिगाने के लिए, कलर करने के लिए हमें मेहंदी नहीं भिगानी है, हमें मेहंदी इसलिए भिगानी है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, हमारे बाल घने भी हों, मुलायम भी हों, मजबूत भी हों। तो गाइस, कहते हैं कि मेहंदी से बहुत बाल टूटते भी हैं। तो अगर हम इस मेथी के पाउडर, कलौंजी के पाउडर को इसमें डालेंगे तो हमारे बाल कम टूटेंगे, या शायद ना भी टूटे, क्योंकि मैं इसको ट्राई करती हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल कम के बराबर टूटते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें ये मेथी का, कलौंजी मेथी का जो मैंने ऑयल बनाया था उसका थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गाइस, इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। जिस तरीके से हम अपना फेस पैक बनाते हैं, बॉडी पैक बनाते हैं, बिल्कुल भी लम्स फ्री, उस तरह से हमें मेहंदी भी बिल्कुल लम्स फ्री बनानी है। गाइज, अब इसको हम भिगा देंगे पूरे एक रात के लिए। मैं इसको पूरे एक रात के लिए भिगाती हूँ, ताकि जो लोहे की कढ़ाई मैंने ये मेहंदी भिगाई है, पूरी तरह से लोहे की कढ़ाई का जो पूरी तरह से आयरन होता है, मेहंदी मिक्स हो जाए और मेहंदी मेरी इससे काली हो जाती है। तो गाइज, मैं मोस्टली काली मेहंदी यूज़ करती हूँ। अब आप कहेंगे कि आप काली मेहंदी यूज़ करते हैं तो आपने इसमें चाय पत्ते का पानी, कॉफ़ी पाउडर क्यों डाला? क्योंकि गाइस, इससे बाल कलर तो होते ही हैं, पर ये बालों में ऐसे तत्व देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट में ऐसी विटामिन्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी बातों की ग्रोथ की अच्छी होती है, हमारे बालों को मजबूत करने के लिए होती है, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें मिलाई है। तो गाइस, इसको मैं पूरी एक रात भिगा दूंगी। एक रात भिगाने के बाद गाइस, हम इसको लगाएंगे, इसको सर पे लगाने से पहले हम इसमें आधे घंटे पहले हम इसमें एक अंडा, या इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसे अपने सर पे लगाएंगे, और सर पे लगाने के बाद हम रात भर इसको सर पे लगाऊंगी। तो गाइस, हमारे पास पॉलिथीन, हमारे पास अगर कैप है, शावर कैप है, तो हम उसे पहन सकते हैं। नहीं है तो हम अपना घर का प्रोडक्ट, जैसे कि वेजिटेबल पॉलिथीन, वो अपने सर पे यूज़ कर सकते हैं। अपने सर पे हमने यूज़ कर दी है, मेहंदी लगाने के बाद भी सर पे हम यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद अगली सुबह हम अपने हेड को वॉश कर लेंगे। तो गाइज, हेड को वॉश करने के बाद
बस हमारे बाल नरिशमेंट हो जाएंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं कि मैं बालों के साथ और क्या करती हूँ। अभी तो हमने बालों के केवल मेहंदी लगाई, अभी हम बालों को और भी ज़्यादा औसम करेंगे क्योंकि दिवाली और करवा चौथ आने वाला है। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।